देखिए आज की कहानी आपकी, जो कहानियों का सिलसिला चल रहा है आपका, और आज आपके सामने जो नई सिलेबस के अनुसार जुड़ी है जो कहानी है, जिसका टाइटल है आपका यही सच है। ये कहानी है, लेखक कौन है? मनु भंडारी। लेखिका है, लेखक नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको व्याख्या के संदर्भ में लेखक लेखिका का नाम लिखना पड़ता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इनके जन्म दिया है इनका 3 अप्रैल 1931, और जगह दिखाई है ये मंदसौर जिला बहानपुर। ये क्या है, बहानपुर या बहानपुरा है? बहानपुरा गांव में दिया है, जो कहाँ दिखाया गया है, बहानपुरा के मारवाड़ी परिवार में इनका जन्म हुआ है, और ये बहानपुरा कहाँ पड़ता है ध्यान रखना, एमपी मध्य प्रदेश मंदसौर जिला है, बहानपुरा गांव मारवाड़ी परिवार में जन्म हुआ है, और मृत्यु इनकी दी है 14 नवंबर 2021। तो देखिए इनके जो दिया है कि इनका जो बचपन का नाम है वो इनका क्या है, ये इनका बचपन का नाम तो मन्नू है, लेकिन मूल नाम जो है वो क्या है, महेंद्र कुमारी है। महेंद्र कुमार, तो महेंद्र कुमारी, लेकिन जो बचपन का अपना घर का नाम होता है वो नाम इनका मन्नू है बालपन का, और उसी को आधार बना के इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना वही नाम रखा है। मूल नाम इनका क्या है, महेंद्र कुमारी है, और भंडारी इनके पीछे लगा है, भंडारी इसका मतलब है कि इनके पिताजी जो थे वो अपने नाम के पीछे भंडारी लगाया करते थे। तो प्रारंभिक अब इनकी जो शिक्षा है वो शिक्षा इनकी कहाँ दिखाई गई है, शिक्षा इनकी अजमेर दिखाई है। उसके बाद में बीए में यहाँ किसी कारणवश इनका प्रवेश नहीं हुआ, तो बड़ी बहन इनकी कलकत्ता रहती है, तो कलकत्ता से फिर इन्होंने क्या किया है, कलकत्ता से इन्होंने फिर बीए की डिग्री जो है वो डिग्री ली है बीए की। उसके बाद में बीएचयू का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ से इन्होंने एमए हिंदी से किया है। और इनके जो पति कौन है, पति जो हिंदी के जाने माने लेखक हैं, जिनका नाम है राजेंद्र यादव, ये अलग कास्ट के हैं, और मनु भंडारी जी अलग कास्ट के हैं, लेकिन राजेंद्र यादव के साथ इनका कब विवाह हुआ है,
राजेंद्र यादव। कब हुआ है? 1959 को विवाह हुआ है राजेंद्र यादव। हालांकि इनके पिताजी जो थे वो इसके खिलाफ थे, लेकिन क्योंकि एक अंतरजातीय विवाह था, सेम कास्ट नहीं थी तो विवाह था, लेकिन इनकी जो कलकत्ता वाली जो सिस्टर है वो और इनके जीजाजी, उनके मेल मिलाप से ही संबंध हुआ और वहीं कलकत्ता में ही इनकी शादी हुई थी। तो ये इनका परिचय है। इसके बाद में इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचना, तो प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख रचना में दिया है उपन्यास के रूप में, उपन्यास लिखे हैं तो इन्होंने लिखा है, एक तो लिखा है महाभोज, ये फर्स्ट ईयर में चला था, आज से 10 साल पहले चलता था महाभोज। उसके बाद में दिया है आपका आपका बंटी, आपका बंटी, महाभोज, आपका बंटी। उसके अलावा जो कहानी दिखाई गई है जिनमें नाम दिया है आपका, एक तो यही है, यही सच है, और दिया है तीन निगाहों की एक तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर, और इस दिखाया है बिना दीवारों के घर, बिना दीवारों के घर, और एक है कि त्रिशंकु। तो काफी अच्छी काव्य रचना इन्होंने हिंदी साहित्य में लिखी है, जो कि नए कहानीकार आंदोलन, नए कहानीकारों का जो आंदोलन चला था उनमें अपना विशेष स्थान रखती हैं, जिसमें कृष्णा सूक्ति का भी नाम, एक कहानी पढ़ी थी आपने उसमें भी आया था, जो कि कौन सी थी, जो साहनी वाली थी, कृष्णा सूक्ति लेखक थी ना उसका। तो नए कहानीकारों के आंदोलन में मनु भंडारी जी का बहुत अच्छा स्थान है। और इसके साथ में ही अब देखिए आप कि ये तो इनकी लेखक परिचय के रूप में है, लेकिन अब जो टाइटल है आपका यही सच है, अब यही सच है इसमें क्या दिखाया है, इसमें दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि खुद लेखिका है तो एक स्त्री होने के नाते जो स्त्री होती है उसके मन के मनोविज्ञान को पढ़ने का प्रयास किया है। इसीलिए एक मनोविश्लेषण, एक जो कहानी है मनोविश्लेषण कहानी, और जो स्त्री है उस स्त्री के अंदर का अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद के साथ में ही उसकी क्या है छटपटाहट, उसका घुटन और उसका टूटन, तो इस तरह के यथार्थ को लेके इन्होंने कहानी का अपना ताना बाना बुना है। और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र, ध्यान रखना इस कहानी के जो पात्र है ना वो कौन है, तीन है। तो एक तो कौन है, संजय, संजय, और इधर दूसरा कौन है, एक बीच में दीपा, दीपा, और तीसरा कौन है, निशीत। ये तीन पात्र हैं। तो इस कहानी के माध्यम से उन्होंने जो दिया है कि जिस तरह से स्त्री है और स्त्री के इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय प्रेम संघर्ष दिखाया है, पूरी की पूरी कहानी प्रेम पर आधारित है, क्योंकि
जो स्त्री हैं, स्त्रियों की मानवीय जो सोच विचार है और उनका अपना ढंग है, अपना तरीका है, लेकिन एक स्वतंत्र रूप से स्त्री जीती हुई दोनों के बीच में प्रेम का तारतम्य कैसे बना के रखती है और कौन सा प्रेम ऐसा है जो वही सच है। वो पहले वाले को माने कि जो शुरुआत में प्रेम किया है उसको सच माने, या वर्तमान में जी रही है उसको सच माने। इस तरह की कहानी का सिस्टम है इसमें जो बुना गया है। तो देखिए संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि जो दीपा है, ये दीपा कहाँ की दिखाई गई है, ये दीपा दिखाई गई है पटना, पटना जो अपने माता पिता और बहन भाइयों के साथ पटना रहती है, पढ़ती है, पढ़ने के लिए ये कहाँ गई है, कानपुर, कानपुर, और क्या कर रही है, PhD, इसका मतलब शोध कार्य, शोध कार्य। ये कानपुर में ही मुलाकात संजय से हुई है, लेकिन पहले प्रेम दीपा किससे करती है, निशीत से, जो संजय कानपुर में क्या है कि संजय नौकरी करता है कानपुर में, और ये निशीत जो है ये कहाँ करता है, ये कलकत्ता। दो ही शहरों का इसमें वर्णन किया गया है, दो ही शहरों का वर्णन है इसमें। तो देखिए कहानी की शुरुआत में जो दिखाया गया है कि दीपा अपने माँ बाप के साथ पटना रहती है और भाई बहन भी रहते हैं, भाई भाभी भी रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि दीपा और निशीत के बीच में कोई प्रेम वार्तालाप, प्रेम संबंध रहा हो, तो लेकिन उसको किसी कारणवश निशीत ने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। उसके बाद में दीपा कहती है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं कहाँ आ गई, कानपुर, और कानपुर उसने क्या किया है, PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोलते हैं इसको, जो नाम के आगे लगता है PhD, जैसे डॉक्टर नेत्राम जी और डॉक्टर तेजराम जी के आगे PhD की है इन्होंने, इसलिए डॉक्टर लगा हुआ है, डॉक्टर उसी के आगे लगता है जो PhD करता है, जो 3 साल की होती। तो PhD करने के लिए कानपुर आती है ये, लेकिन उधर पटना में निशी से प्रेम करती थी, और उस शायद प्रेम के चलते हुए घर परिवार में भी कलह हुआ होगा, तो पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है, और इधर निशीत इसको छोड़ देता है। अब वो छोड़ता क्या है, उसका कारण कुछ दिया नहीं, लेकिन प्रेम में तो उठक पटक और ये सारी चीज़ चलती रहती है, प्रेम तो प्रेम ही है, कब तक चलेगा। तो निशीत छोड़कर कलकत्ता चला जाता है, वहाँ अपनी जॉब करता है, और ये पटना को छोड़कर कानपुर आ जाती है, और कानपुर आने के साथ में ही अपनी PhD का कार्य जो दिया है, जिसमें दिया है कि थीसिस वगैरह लिखने का काम करती है, वो करती है, लेकिन यहाँ कानपुर आकर इसकी मुलाकात संजय नामक व्यक्ति से हो गई। तो अब पहला जो प्यार है जो उसने निशीत से किया है उसको सही माने, या फिर वो संजय के साथ जो अब उसकी प्रेम का सिलसिला चला है उसको सही माने। पहला प्यार होने के बाद दूसरे प्यार जब होता है तो पहले मतलब दूसरे प्यार के विषय में दिया है कि भाई वो मात्र एक भ्रम है, एक छलावा है, जिसको मतलब भूलने के लिए दूसरे प्यार की शुरुआत की जाती है। तो इस तरह से उसने वो दिया है, लेकिन यहाँ ये कहती है कि यहाँ मेरा जो संजय से जो मुलाकात हुई है PhD करते वक्त, वो मेरी सिर्फ एक कृतज्ञता है, मेरी क्या है, कृतज्ञता। और कृतज्ञता क्या होती है कि किए हुए के उपकार को नहीं भूलना,
इसका मतलब सीधी बात है कि संजय ने इसकी हेल्प की है पीएचडी में, उसकी थीसिस वगैरह लिखवाई है, और क्योंकि जब भी जाके तो पीएचडी की डिग्री मिलेगी तो थीसिस भी वगैरह जो लिखवाई है उनमें मदद की है, तो कृतज्ञता हो गई उसके प्रति। इसका मतलब है कि मदद की है तो फिर एक प्रेम ऐसा भी तो होता है कि जो उसके व्यवहार उसकी कार्यशैली उसका उसको देख के भी प्रेम हो जाता है, है? और काफ़ी लोग किसको देखते हैं कि सिर्फ सुंदरता, सुंदरता तो पीछे ही बाहर लेते हैं, पीछे चार उड़ाई पर, लेकिन उसमें क्या है बड़ी दिक्कत। तो वो कहती है कि कृतज्ञता के कारण मेरा संजय के प्रति रुझान हुआ और अब संजय जो है वो मेरे दिया है कि तन मन दोनों में ही बस गया। अब लेकिन अब बात ये है कि तन किसको दे मन किसको दे, ये भी तो एक समस्या है, क्योंकि दोनों ही बीच में, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया है आपसे कि प्रेम कहानी है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं चलती है, हिंदी है, हिंदी में प्रेम प्रसंग चलता है, तो कोई बात नहीं है, अपने अपन अपने बनावटीपन से नहीं बोल रहे, जो किताब में लिखा है उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए इस कहानी का ध्यान रखना, ये इस कहानी का प्रकाशन दिया है 1966, ये क्या दिया है इस कहानी का प्रकाशन, इस कहानी पर एक फिल्म बन चुकी है फिल्म जगत में फिल्म बनी है इस कहानी के ऊपर, जिसका नाम है रजनी गंधा। ये कब बनी थी 1974। रजनी गंधा इसी कहानी को शीर्षक टाइटल बनाया था और इसी के आधार पर रजनी गंधा फिल्म बनी थी। अब रजनी गंधा फिल्म क्यों बनी उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें रजनीगंधा शब्द आया है। अब रजनीगंधा क्या है बात करूंगा तो पता लग जाएगा आपको। तो देखिए अब शुरुआत होती है दो शहरों से, जिसमें शुरुआत कानपुर से की है उसने, तो दिखाया है दीपक कहती है कि क्योंकि वो संजय से प्रेम करती है, और जिससे भी नायक नायिका प्रेम करते हैं आपस में, तो दीपा संजय के लिए क्या दिखाइए अपना कानपुर में कमरा लेके रहती है, तो कमरे में दिखाया है कुछ टेबल पर जो बुक है वो अस्त-व्यस्त पड़ी हुई है, हैं फूलदान है उसमें रजनीगंधे के फूल रखे हुए हैं जो कि उस कमरे को सुवासित करते हैं। अब वो फूल लाके देता कौन है उसको, संजय, क्योंकि वो ये कहती है कि मैंने बात ही बातों में उससे कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद है, तो आप वो हर चौथे दिन आता है और रजनीगंधा का गुलदस्ता लेकर भेंट कर देता है। तो अब रजनीगंधा की जो खुशबू है वो पूरे कमरे में महकती रहती है, चाहे संजय हो नहीं हो, लेकिन उसका आभास मुझे हर पल महसूस होता है, और रजनीगंधा के जो फूल हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे संजय की कोई नेत्र हो जो मुझे लगातार निहारते रहते हैं, इस तरह से उसकी हर पल महसूस करती है संजय की। तो उसने दिखाया है कि कमरे के अंदर सुबह का वातावरण दिखाया है उसने,